अच्छी और सच्ची खबरों में चलिए शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले यूपी के धार्मिक स्थलों की करेंगे राज्य की योगी सरकार ने। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों समेत राज्य में 8 धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म सर्किट तैयार किए जाएंगे। यानी ये सभी 8 सर्किट्स पर्यटकों के लिहाज से सुविधाजनक हों, इसके लिए इन जगहों पर हेरिटेज होटल, रिजॉर्ट, थीम बाजार, शिल्पग्राम, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, वेलनेस सेंटर, ऑल सीजन कॉटेज और दूसरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा हों। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक मथुरा वृंदावन से लेकर विंध्याचल तक सारनाथ से लेकर कुशीनगर तक और हस्तिनापुर से लेकर संत कबीर नगर तक इन धार्मिक स्थलों की तस्वीर बदलने वाली है। यूपी सरकार ने इन तमाम धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट के तौर पर विकसित करने की योजना तैयार की है। हाल ही में सरकार ने इससे जुड़ी नई पर्यटन नीति को मंजूरी भी दे दी है। तहत रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, कृष्ण सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट और आध्यात्मिक सर्किट हैं, जिसे धार्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित किए जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। यूपी सरकार ने जो योजना तैयार की है उसके अनुसार अलग अलग सर्किट हैं, रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, सूफी सर्किट, कबीर सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, जिसमें पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं होंगी। बहुत महत्वाकांक्षी ये योजना बनाई गई है, जिसमें हर तरह की सुविधा पर्यटकों को न सिर्फ मिलेंगी बल्कि रिलीजियस टूरिज्म को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। एक तरफ जहां अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीता और राम से जुड़े दूसरे धार्मिक स्थलों जैसे बिचूर और चित्रकूट में भी नए सिरे से विकास कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इसी तरह से दूसरे सर्किट से जुड़े स्थलों को भी धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। रामायण सर्किट में ही हमने जो चित्रकूट है उसमें चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद बनाया हुआ है और उसके माध्यम से विकास हो गया। विंध्यवासिनी देवी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन बहुत अच्छी सुविधाएं न होने के कारण लोगों की आवाजाही में बड़ी दिक्कतें होती थी, उसको हम विकसित कर रहे हैं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी निर्मित किया गया है, वहां पर बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित किया जा रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ही वहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर धार्मिक आयोजनों के वक्त देश के कोने कोने से पर्यटक वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लिहाजा नई पर्यटन नीति के तहत इन टूरिस्ट सर्किट्स पर पर्यटकों के लिहाज से हेरिटेज होटल, रिजॉर्ट्स, थीम बाजार, शिल्पग्राम, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, वेलनेस सेंटर, ऑल सीजन कॉटेज समेत दूसरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों की यात्रा का अनुभव शानदार रहे। सरकार इस काम में सोशल मीडिया का भी सहारा लेगी। हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने घर को भी होम स्टे में कन्वर्ट करना चाहता है, एक घर
उस घर में कम से कम एक कमरा हो, मैक्सिमम 6 कमरे भी हो सकते हैं, उसके साथ में टॉयलेट की सुविधा हो, साफ सुथरे पानी की सुविधा हो, वो खुद वहां पर रहता हो, इस तरीके से होम स्टेज को हम लोग सब्सिडी भी देंगे और आइडेंटिफाई करके रजिस्ट्रेशन करके उसको प्रमोट भी करेंगे। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आसपास के गाँव में अगर कोई है, हवेलियां हैं, पुराने घर हैं, पुरानी कोठियां हैं, उनको भी हम पर्यटन इकाई के तौर पर विकसित करने के लिए लगे हुए हैं। दूसरा, इसका प्रमोशन कैसे करें, तो प्रमोशन और ब्रांडिंग के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए उसको हम बेहतर अनुभव कैसे आगे प्रदान करें, ये करने जा रहे हैं। यूपी सरकार को उम्मीद है कि धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म सर्किट विकसित होने के बाद राज्य में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य के विकास को भी नई रफ्तार मिल सकेगी। यानी आने वाले दिनों में राज्य के कई धार्मिक स्थलों की सूरत बदलने वाली है। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अयोध्या के राम मंदिर की। अयोध्या में बन रहा श्री राम मंदिर आम लोगों के लिए जनवरी 2024 तक खोल दिया जाएगा। दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए अभी जो जमीन मिली है उसे 108 एकड़ तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो मंदिर के लिए और जमीन अधिग्रहित की जाएगी। अभी जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसको 108 एकड़ भूमि किया जाए और उसके लिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि राम मंदिर का परिसर और बड़ा हो सकता है और मौजूदा परिसर में 40 एकड़ से ज्यादा जमीन शामिल की जा सकती है। दलील ये है कि हिंदू धर्म में 108 का अंक शुभ होता है और इसी के आधार पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का परिसर 108 एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अधिग्रहित की गई 67 एकड़ जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई थी, जिसके बाद ट्रस्ट ने इससे जुड़ी कुछ और भूमि खरीदी, जिस पर अभी तेजी से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। कामेश्वर चौपाल का दावा है कि राम मंदिर का परिसर बढ़ाने को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच सहमति भी बन चुकी है। समर्पण जब मन में होता है, अर्पण करने का भाव जब मन में होता है, तो सीमा ही नहीं रहती है उसमें। हमारी तो आकांक्षा है, ट्रस्ट के हमारे अधिकांश माननीय सदस्यों की आकांक्षा है कि हिंदू समाज का पवित्रतम शब्द 108 माना गया है, तो अभी जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसको 108 एकड़ भूमि किया जाए और उसके लिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक मंदिर के गर्भगृह का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है और जनवरी 2024 में गर्भगृह रामलला के दर्शन के लिए खुलने की संभावना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर निर्माण से जुड़े लोग श्रीराम के मंदिर को साकार करने में दिन रात जुटे हैं। लेकिन अगर 108 एकड़ तक मंदिर का परिसर बढ़ाया जाता है तो इसके लिए आसपास की और जमीन का अधिग्रहण करना होगा, यानी कुछ और लोगों को अपनी जमीन मंदिर के लिए देनी पड़ेगी, जिसके लिए ट्रस्ट के सदस्य ने साफ किया कि किसी पर दबाव नहीं डाला जाएगा। उस प्रयास में बिना ही रहेगा, उसमें किसी को दबाने का, किसी को सताने का, किसी को पूरी तरह प्रताड़ित करने का भाव नहीं रहेगा। प्रेम का भाव, राष्ट्र का भाव और स्वाभिमान का भाव जागृत करके जो भगवान के मंदिर की भव्यता और दिव्यता हम सबों ने देखा है स्वप्न में, अपने अपने अंतःकरण में, उस प्रकार का मंदिर बने, तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि 108 एकड़ तक उसकी परिधि बढ़ जाए ताकि मंदिर की भव्यता भी और एक शुद्ध अंक जो माना जाता है हिंदू में श्री श्री 108 श्री राम जन्मभूमि का परिक्षेत्र भी हो जाए, ये मन की हम लोगों की भावना है। राम मंदिर को 108 एकड़ तक बढ़ाने के पीछे कामेश्वर चौपाल हिंदू धर्म में 108 अंक को पवित्र मानने का तर्क दे रहे हैं। अगर 108 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर काम शुरू हो जाता है तो परिक्रमा का क्षेत्र भी बढ़ाना पड़ेगा। मंदिर के चारों ओर 1 किलोमीटर लंबाई में परकोटा बनाया जा रहा है। अभी ये परकोटा 6 एकड़ की परिधि में बन रहा है।
अगर और भूमि अधिग्रहण होता है तो परकोटा को बढ़ाकर 8 एकड़ में किया जाएगा, यानी अब ये एरिया 30 एकड़ हो जाएगा, जिसमें विघ्नहर्ता गणेश, माता सीता, जटायु, निषादराज, शबरी समेत रामायण से जुड़े पात्रों के भी मंदिर बनेंगे। हिंदू समाज का पवित्रतम शब्द 108 माना गया है, तो अभी जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसको 108 एकड़ भूमि किया जाए और उसके लिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे। तय वक्त पर मंदिर का निर्माण पूरा हो, इसके लिए काम जोर शोर से चल रहा है। ट्रस्ट इस कोशिश में जुटा है कि भगवान राम का मंदिर भव्य और दिव्य बनाया जा सके। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर विस्तार को किस तरह अंजाम दे सकता है और इसके लिए वो क्या कदम उठाएंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी बनवीर सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट से जब अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवगठित ट्रस्ट को सरकार द्वारा 67.7 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए दी गई थी। वहीं मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। तब से ट्रस्ट जो है लगातार अपनी जमीनों की जो क्षमता है यानी कि जो 67.7 एकड़ में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, उसके लिए उसने अलग अलग कुछ जमीनें खरीदी हैं, कुछ मंदिर खरीदे हैं और अब उसको 108 एकड़ तक पहुंचाने की तैयारी है। ये रास्ता जो जा रहा है ये चंद कदम की दूरी पर अयोध्या का राम मंदिर है जो भव्य और दिव्य रूप से तैयार हो रहा है। वहीं पर ट्रस्ट ने जो आसपास की जमीनें खरीदी थी वो संख्या अगर कहें कि जमीनों और मंदिरों की तो काफी हद तक बढ़ चुकी है और जो जमीन है वो लगभग 100 एकड़ के नजदीक पहुंचने वाली है, लेकिन इसको 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। अब इसी के साथ एक चीज और भी जानने की जरूरत है कि वो ट्रस्ट ये जमीन लाएगा कहां से, तो इसके लिए आसपास के जो लोग हैं उनसे सहमति बनाई जाएगी कि वो राष्ट्र मंदिर के नाम पर या भव्य और दिव्य राम मंदिर के नाम पर अपने मंदिर और जमीन ट्रस्ट को दे दें, उसके बदले ट्रस्ट या तो दूसरी जमीन देगी या उसकी कीमत उनको अदा कर देगी। 108 एकड़ में जब भव्य राम मंदिर बनेगा तो उसके अंदर ऐसे तमाम सुविधा उपलब्ध होंगी जो कहा जाए कि अयोध्या को धार्मिक राजधानी में परिवर्तित कर देंगी। और अब सवाल उठता है कि अभी राम मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन मिली है उसे 108 एकड़ तक बढ़ाने की बात क्यों हो रही है। जन सहयोग या फिर अधिग्रहण के जरिए 108 एकड़ से कम या फिर ज्यादा जमीन भी तो बढ़ाई जा सकती है। तो हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्रों में शामिल राम जन्मभूमि परिसर को 108 एकड़ तक बढ़ाने की बात क्यों चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामेश्वर चौपाल के इस बयान को समझने के लिए हमें पहले राम मंदिर और 108 अंक के बीच का कनेक्शन समझना होगा। हिंदू धर्म में मंत्रों के उच्चारण से पहले ओम और पूजा शुरू करने से पहले आचमन का विशेष धार्मिक महत्व है। इसी तरह हिंदू धर्म में 108 अंक की अपनी अहमियत है और सिर्फ हिंदू धर्म में क्यों बल्कि जैन बौद्ध धर्म से जुड़ी संस्कृति में भी इस अंक का काफी महत्व है। चलिए 108 अंक की अहमियत को समझने की शुरुआत करते हैं हिंदू धर्म से ही। ऐसी मान्यता है कि जब भोलेनाथ गुस्से में अलौकिक तांडव नृत्य करते हैं तो उसमें 108 मुद्राएं होती हैं। वेद पुराणों में भी विस्तार से भगवान शिव के 108 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। ऐसी भी धार्मिक मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसुओं से हुई थी। शिव जी से आशीर्वाद पाने के लिए जिन मंत्रों का जाप होता है वो रुद्राक्ष की माला से ही होता है जिसमें मनके की संख्या 108 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य शिवलिंगों की संख्या भी 108 है और यही वजह है कि लिंगायत संप्रदाय में रुद्राक्ष की माला में 108 मनके होते हैं। भगवान शिव ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की कथा में भी 108 आता है। वृंदावन में 108 गोपियों का जिक्र है। 108 मनकों के साथ साथ इन गोपियों के नाम जाप को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है और इन्हीं गोपियों के ही आसपास भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है। श्री वैष्णव धर्म के तहत ही विष्णु जी के 108 दिव्य स्थानों को बताया गया है जिसे दिव्य देशम कहा जाता है।
हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी 108 अंक की बहुत अहमियत है। जापानी संस्कृति में बौद्ध धर्म के अनुयायी पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल के आगमन के लिए 108 बार बुद्ध मंदिर की घंटियों को बजाते हैं। इसीलिए बुद्ध धर्म के अनुयायी 108 अंक को बहुत शुभ मानते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म में कई लोगों का यह भी मानना है कि इंसान के अंदर कुल 108 तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 108 अंक का महत्व ज्योतिष में राशियों की कुल संख्या 12 होती है। इनमें 9 ग्रह विचरण करते हैं। 12 अंक को 9 से गुना करने पर 108 हासिल होता है और यही वजह है कि हिंदू धर्म में 108 अंक को शुभ माना जाता है। हमारे देश में अंकों को लेकर शुभ अशुभ की प्रथा काफी समय से चली आ रही है। लोग किसी अंक को शुभ मानते हैं, किसी को अशुभ मानते हैं, लेकिन जब वही हिंदू धर्म में 108 अंक की बात होती है तो वो शुभ ही माना जाता है। ज्योतिष आचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी इस बात को और बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कि आखिर हिंदू समाज के लिए 108 अंक पवित्र अंक क्यों माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 108 अंक का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्रों के जप के समय 108 अंक का विशेष महत्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो माला जपमाली का प्रयोग करते हैं, जिससे किसी मंत्र का जप करते हैं, उसकी संख्या 108 होती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात किया जाए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारण है और इस अंक का सीधा संबंध भगवान भोलेनाथ से है। इस अंक का सीधा संबंध श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण से है। इस अंक का सीधा संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। कैसे है इसको हम जानेंगे। भगवान भोलेनाथ अपने तांडव के समय 108 मुद्राओं का निर्माण किए थे। भगवान भोलेनाथ का इस अंक से विशेष महत्व है। शिव अंगों की संख्या 108 होने के कारण 108 अंक भगवान भोलेनाथ का अंक माना गया है। जब शिव जी क्रोधित अवस्था में तांडव कर रहे थे तो गुस्से में 108 मुद्राओं के मुद्राएं बना करके नृत्य किए थे। तो यही वजह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर परिसर के लिए करीब 67 एकड़ की जो जमीन मौजूद है उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 108 एकड़ तक कर लिया जाएगा, ताकि भगवान श्री राम का मंदिर भव्य और दिव्य बन सके। और इस इच्छा को साकार करने के लिए राम जन्मभूमि के आसपास की जमीन को खरीदने का प्रयास किया जाएगा। ग्रुप ए और बी की सभी 8 टीमों ने एक एक मुकाबला खेल लिया है। यहां इक्वाडोर ने कतर के खिलाफ पहले ही मैच में ऐतिहासिक शिकस्त उसको मिली है, जबकि नेदरलैंड ने सेनेगल के खिलाफ जीत हासिल की है। ग्रुप बी की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड ने अपनी पहली जीत के साथ ही टॉप पर जगह बना रखी है। ग्रुप सी, सऊदी अरब ने वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में जीत दर्ज कर टॉप पर अपनी जगह पक्की कर ली है। ग्रुप डी, फ्रांस की टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की और टॉप पर अपनी जगह पक्की कर ली। और ट्यूनिशिया और डेनमार्क के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा, जिसके बाद दोनों टीमों ने दूसरे और तीसरे नंबर पर जगह बनाए रखी है। करीब 343 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिलेगी, जबकि फाइनल मैच में हारने वाली टीम को करीब 245 करोड़ रुपए इनाम में मिलेंगे। और इसके अलावा टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को करीब 220 करोड़ रुपए इनाम मिलेंगे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 204 करोड़ रुपए इनाम राशि के तौर पर मिलेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पांचवें से लेकर आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को करीब करीब 138 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिलेगी। नौवें से सोलहवें स्थान पर रहने वाली टीमों को लगभग 106 करोड़ रुपए मिलेंगे। सत्रहवें से 32वें स्थान पर रहने वाली टीम को 73 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। आज बात भारतीय सेना के पराक्रम की भी करेंगे। हिंदुस्तान को महफूज रखने का सबसे बड़ा हथियार है हिंद के वीरों का पराक्रम। ऑपरेशन शत्रुनाश के जरिए राजस्थान के रण में भारतीय सेना के पराक्रम का अद्भुत रूप दिखाई दिया।
शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर हमारे जांबाजों ने बेहद कड़ा युद्धाभ्यास किया। देश के जवानों ने यहां जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान की ये हुंकार शत्रु को सीधा संदेश है कि भारतीय सेना उसके हर वार पर तगड़ा पलटवार करने का दम रखती है। हथियारों की गड़गड़ाहट पूछ रही है हिंदुस्तान के दुश्मनों का पता। संदेश साफ है, जो हिंदुस्तान की सीमाओं पर बुरी नजर डालेगा दुनिया में ना उसका नाम बाकी रहेगा ना निशान। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के करीब ये सेना का ऑपरेशन शत्रुनाश। थल सेना और वायु सेना ने मिलकर बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया है। जंगे मैदान चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, हिंद के वीर हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए राजस्थान की मरुधरा पर भारतीय सेना के टैंक रफ्तार भर रहे हैं। इस तरह से अपने मैकेनाइज्ड फोर्सेस को इस्तेमाल किया है, अपने कॉम्बैट आर्म्स और सपोर्ट आर्म्स ने एक सिनर्जाइज्ड वे में इंटीग्रेटेड बैटल के तौर पर एक किस तरह से कॉमन टारगेट को नष्ट किया जाता है, या तो रडार यूज करके, या तो लेजर बीम गाइडेड मिसाइल्स यूज करके, या तो ALH और हेलीकॉप्टर्स के अपने जो सर्वेलेंस यूज करके, सुखोई Mark 30 को यूज करके, और अपने जो टैंक्स जो T-90 हो गया, T-72 हो गया, और जो अपना नया अभी सेल्फ टोड आर्टिलरी गन K-9 वज्रा है, इन सबके एक कंबाइंड तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हुआ है, जिससे अपने भारतीय सेना की एक रेडीनेस बढ़ी है और इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग एक रियल टाइम वॉरफेयर के लिए हम लोग एकदम तैयार हो जाते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।